आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इंदौर के मंडी व्यापारियों को गेहूं के निर्यात का सौदा महंगा पड़ गया है। दो महीने से चल रहे कारोबार में सरकार ने निर्यात नीति बदलकर खलल डाल दिया है। अब मंडी बंद कर व्यापारी बीते कुछ दिनों से लावारिस पड़े गेहूं की सुत लेने कांडला पहुंच रहे हैं। उज्जैन मंडी में भी बस रैक में जाने वाले गेहूं के थप्पे दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी काफी निराशाजनक स्थिति में है। इस वर्ष सीजन की शुरुआत से ही गेहूं में विदेशी मांग बन जाने से व्यापार खूब हो रहा था। फिर सरकार ने भी अनेक सुविधाओं के साथ व्यापारियों को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। फिर सरकार ने ही निर्यात पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया। पोर्ट पर स्थित गेहूं से लदे जहाजों को रोक दिया गया। इसका असर गेहूं के व्यापार पर पड़ा। कारोबारियों के लाखों क्विंटल गेहूं के सौदे अटक गए। कांडला पोर्ट पर हजारों क्विंटल गेहूं से भरे ट्रक अनलोडिंग के लिए रुक गए। व्यापारियों में हाहाकार मच गई। आक्रोशित कारोबारियों ने मंडियों को बंद कर दिया। उज्जैन मंडी में भी सन्नाटा पसरा रहा। मंडी के 4-5 व्यापारी अपने गेहूं की सुध लेने कांडला के लिए निकल गए हैं। उनका कहना है कि 8-10 दिन हो गए ट्रक अनलोड नहीं हो रहे, होल्डिंग चार्ज महंगा पड़ रहा है। वहां जाकर अनलोड की व्यवस्था करेंगे क्योंकि कंपनियों ने तो मना कर दिया। मामले को लेकर व्यापारी महासंघ सोमवार को भोपाल भी गया था। संघ ने प्रतिमंडली ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन जरूर दिया कि कांडला में खड़े गेहूं के ट्रकों को अनलोड करवाने की व्यवस्था जल्द करवा दी जाएगी। बता दें कि निर्यात नीति में बदलाव के बाद गेहूं की तेजी को विराम लग गया है। निर्यात नीति के बदलाव के चलते गेहूं में उलझे व्यापारियों को स्टॉक सीमा लागू होने का डर सताने लगा। जानकारी के अनुसार मंडी बोर्ड का आदेश है कि मंडी में गेहूं के कारोबारियों से वर्तमान स्टॉक की जानकारी एकत्रित कर सरकार को दी जाए। बता दें तेजी के दौर में प्रदेश सहित जिले में कारोबारियों के पास लाखों क्विंटल गेहूं स्टॉक है। निर्यात के चलते यह स्टॉक किया गया था। बता दें कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर सरकार को लक्ष्य से 40% ही गेहूं मिल पाया। यही कारण है कि पुनः सरकारी खरीद शुरू करनी पड़ रही है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।